अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम आपकी शेफ और मेरा चैनल है मरियम्स किचन 786। आज हम बनाएंगे भिंडी। भिंडी हम बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में। ये हमारी आधा किलो भिंडी है, दो मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हुए, दो हमारे प्याज हैं और ये पांच से छह हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं। और ये जब हम भिंडी काट लेंगे, ये थोड़ी सी हल्दी है और थोड़ा सा नमक है, दोबारा बाद में फिर हम ऐड करेंगे जब पकाएंगे। जैसे हम भिंडी काट लेंगे, ये इन दोनों को मिक्स करके भिंडी को लगा के रखेंगे, फिर भिंडी को हम फ्राई करेंगे। हाँ, ये देखें, ये मैंने भिंडी काट ली है और काट के मैंने इसको हल्दी और नमक लगा दिया है। ये ज़्यादा नहीं लगाना, आपने बस नॉर्मल लगाना है, बाद में हमने मसाले में भी डालना पकाते हुए, ठीक है। और ये इसलिए लगाते हैं कि इवन आप किसी सिल्वर में या किसी भी बर्तन में पकाते हो तो चिपकती है नीचे, अलावा नॉन स्टिक के, मगर आपके पास जो भी बर्तन है आप उसमें पका सकते हैं। ये हमारा प्याज है कटा हुआ, ये दो टमाटर है और ये हमारी मिर्चें हैं और ये मस्टर्ड ऑयल है। आपका जिस चीज़ में चाहे आप पका सकते हैं, मगर मैं भिंडी या करेले ऐसी कोई भी चीज़ हो मैं मस्टर्ड ऑयल में पकाती हूँ, उसमें टेस्ट बहुत उबाला आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन करना है और उसके अंदर हमने मस्टर्ड ऑयल डालना है, ठीक है। ये जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसमें डालेंगे भिंडी। ये देखें, अब हमारा जो ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। भिंडी को बस हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और ये देखें मसाला से भिंडी हमारी फ्राई हो रही है और जो नमक है ना वो इसके अंदर खुद ब खुद चला जाएगा और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अक्सर लोग इसमें इमली डालते हैं, अनार डालते हैं, मकसद है कि कई लोगों को प्रॉब्लम होता है गले का, तो गले ख़राब हो जाते हैं, मगर आपने ऐसी सादी पकानी ताकि बच्चे भी खा सकें और जिनको हार्ट का मसला है, शुगर का मसला है, उसके लिए ये भिंडी सरसों के ऑयल में पकाना बहुत अच्छा है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी भिंडी फ्राई हो रही है, काफ़ी हद तक हो गई है। बस इसको आपने ज़्यादा काला नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, नॉर्मल ही रखना। अभी एक मिनट और लगेगा, फिर हम इसको ऑयल में से भिंडी को निकालेंगे। अब ये देखें हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है, हो गई हुई है। अब इसकी लेस्ट फिलहाल हमने इसकी लेस्ट ख़त्म करनी होती है, फ्राई करने का मकसद ही यही है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे, भिंडी निकालते हैं बाहर। ये देखें हमारी भिंडी अब बाहर आ गई हुई है, निकाली मैंने और से बाहर। देखें इसकी शक्ल, देखें किस कदर खूबसूरत है माशाल्लाह से। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना इसके फातिहत ख़त्म हो जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी हमने बस इसकी लेस ख़त्म करने के, देखें। अब हम डालेंगे प्याज, फ्लेम ऑन करें। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप निकाल सकते हैं, अगर फिलहाल कोशिश करें उतना ही डालें जितनी भी उसमें हमारी सालन तैयार हो जाए। जब हमने इसमें डाला प्याज, और प्याज को भी बस हमें हल्का हल्का ब्राउन करना, ज़्यादा नहीं करना। ये देखें ज़रा से माशाल्लाह से। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके, आप देख सकें, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये हमने मसाले डाले, ये ज़रा मिर्च है हमारी एक चम्मच, आधा किलो में हमने एक ही डालना है। ये हमारी सोफ मिर्च का पाउडर, जो कि एक चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना, वो आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी खाते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी हमने पहले भी डाली थी और अब भी ये डालेंगे। हल्दी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हल्दी बहुत अच्छी है जोड़ों के दर्द के लिए वैसे भी। और ये हमारा नमक है, नमक हमने पहले भी थोड़ा सा डाला था, अब हंसते ज़रूरत नमक नॉर्मल ही रखेंगे, आप जितना खाते हैं आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हम और कोई चीज़ नहीं ऐड करेंगे। ये हमारे टमाटर हैं, सब्ज़ी मिर्च है, ये मसाला ज़्यादा है। अक्सर लोग, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि इमली अनार दाने का इस्तेमाल करते हैं, ये बच्चों ने चीज़ें खानी होती हैं तो उनके गले ना ख़राब हो जाए। देखें दूसरी साइड से हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, इसको ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना, बस सोते सोते रखना, कच्चा कच्चा हल्का सा। ये देखें प्याज हमारा काफ़ी हद तक हो चुका है, अगर थोड़ा सा और हो जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर। देखें माशाल्लाह से, आप भी पकाइएगा मस्टर्ड ऑयल में,
कैसा जायका इसका होता है। ये देखें अभी हमारा प्याज काफ़ी हद तक हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो मीडियम साइज़ के हमने दो टमाटर लिए हुए थे। इसी टमाटरों को पानी में हमने ये मसाला जो भी हमने रेडी करके पहले से रखे हुए हैं ये हम साथ इसमें डाल देंगे। और दूसरा एक चीज़ और है, ये मैंने किया हुआ है अपना दालचीनी पाउडर, ये हम लास्ट में डालेंगे एंड में, बिल्कुल जैसे हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सेहत के लिए, जिन हजरात को शुगर है या हार्ट का मसला है, इवन ऐसी कोई सी भी बीमारी है, ये उसके लिए बहुत बेस्ट है। भिंडी हमारी है बादी, मगर ये उस चीज़ को ख़त्म करता है बादी चीज़ से। ये हमने थोड़ा सा लेके इसमें लास्ट में जब हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी फिर हम इसमें डालेंगे। ये देखें जैसे अभी हमारा मसाला तैयार हो जाता है तो फिर इसमें एंड में भिंडी डालेंगे। अभी हम थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे, सब्ज मिर्ची हैं 3 से 4 जो हमने काटी हुई थी। ये देखें माशाल्लाह से और भी बिल्कुल मुनासिब है। ये देखें आप मुझे बताइएगा कि कैसी बनी भिंडी। किसी को अगर कोई मसला हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे आप पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो भी मैं दूँगी आपको वीडियो के साथ ही, मैं शेयर करूँगी आपसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, उससे कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे मसाले की भुनाई हो रही है, देखें ज़रा माशाल्लाह से, ज़्यादा नहीं करनी, खड़ा खड़ा रखना मसाला। अभी हम इसमें भिंडी डालेंगे, देखें 2 से 3 मिनट हो गए हमारी भुनाई होते रही, इससे ज़्यादा नहीं करना, खड़ा खड़ा रखना वरना ये हमारी भिंडी की शक्ल ख़त्म हो जाएगी सारी। देखें झटपट में हमारी ये भिंडी तैयार होने वाली है। देखिए इसको टूटने नहीं देना, अब इसको वैसे भी हल्दी और नमक लग गया हुआ और ये टूटेगी नहीं। अक्सर लोगों की भिंडियाँ टूट जाती हैं, बीज बीज हर चीज़ अलग नज़र आती है, अब ऐसा नहीं होगा। ये देखें माशाल्लाह से मैं थोड़ा सा आपने हल्का कर देना नीचे से। ये देखें सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने दिए हैं, क्योंकि माशाल्लाह देखिए अपनी बिल्कुल असली हालत में, टूटी भी नहीं है, ख़राब भी नहीं हुई है। और लास्ट में हम उसमें मैंने बताया था कि दालचीनी पाउडर है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ये देखें 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा। बाद में हमने इसको कुछ छुकाव करके और फ्लेम ऑफ कर देना। हमारी भिंडी तैयार है बिल्कुल। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिएगा ऑयल इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, देखिएगा आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है देखिए माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें इस कदर खूबसूरत है। मैं आपको हर तरह से भिंडी बनाना सिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से अल्लाह हाफिज़। आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।